Educational governance needs to be responsive to labor market and global level trends. Let's see what are the key questions regarding responsiveness to labor market and global trends. The education system of a country needs to be responsive to the labor market and global economic initiatives. For example, educational governance, they need to know what are the global trends. अगर global level के ऊपर आपके कुछ initiatives हैं जो के लिए गए हैं, for example education for all, या फिर अगर आप labour market की बात करें तो workforce किस किस्म की चाहिए, vocational workforce चाहिए global level के ऊपर, या आपके पास IT के experts चाहिए, तो educational governance को इन trends का, labour market के trends का पता होना चाहिए. What are the mechanisms for ensuring labor market responsiveness of general education? Where is the evidence that these mechanisms work? So, educational governance के लिए ये जरूरी है कि वो ऐसे mechanisms बनाएं ताकि उनको ये पता चल सके कि labor market trends क्या हैं. अगर mechanisms नहीं exist करेंगे तो हम educational governance जो है वो अपने ख्यालात की बुनियाद के ऊपर प्लानिंग करेंगे, उसका ग्राउंड रियलिटीज के साथ ताल्लुक नहीं होगा. सो मैकेनिज्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर शुड बी द एविडेंस ऑफ द वर्किंग ऑफ दोज मैकेनिज्म्स. एक और अहम सवाल रिलेटेड टू लेबर मार्केट एंड ग्लोबल रेलेवेंस इज हाउ डू वी अटेन एंड सस्टेन लेबर मार्केट रिस्पॉन्सिवनेस, कि इसमें हमें लेबर मार्केट रिस्पॉन्सिवनेस को अटेन भी करना है, दैट वी नीड टू बी रिस्पॉन्सिव, और उसको सस्टेन भी करना है. ऐसा नहीं कि एक दफ़ा तो आपने जो एजुकेशनल प्लानिंग की वो रिस्पॉन्सिव थी, लेकिन अगले दफ़ा में वो आपकी जो एजुकेशनल प्लानिंग है वो लेबर मार्केट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही. वट आर द की मार्कर्स ऑफ लेबर मार्केट responsiveness? Where is the evidence of this sustained relevance? How do we ensure and sustain the general education system responsiveness to global development challenges and opportunities? Where is the evidence of sustained global relevance? इसमें एक अहम चीज है, that is general education responsiveness to global development challenges. ग्लोबल डेवलपमेंट चैलेंजेस इस वक्त में क्या हैं? यूनाइटेड नेशंस ने 2005 टू 2014 को डेकेड करार दिया, डेकेड फॉर एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव था. क्या तमाम ममालिक ने जो कि यूनेस्को के मेंबर हैं, क्या उन ममालिक ने इस ग्लोबल इनिशिएटिव को अपने एजुकेशन के अंदर इनकल्केट किया या नहीं किया? अगर किया तो उसका क्या एविडेंस है? क्या हमने सस्टेन तरीके से कोशिश की कि हम ग्लोबल इनिशिएटिव्स को अपने एजुकेशन लोकल नेशनल एजुकेशन के अंदर उसको ट्रांसलेट कर पाए, या हमने उसको इग्नोर किया? सो ये सारे सवालात हैं जिनके जवाबात जानने जरूरी हैं इफ वी आर वर्किंग एट नेशनल लेवल, इफ वी आर वर्किंग एज पार्ट ऑफ द नेशनल गवर्निंग बॉडीज. How is the general education system positioned to benefit from global development opportunities? Global development opportunities से हमारा जो local system है, general education का system है, वो benefit ले सकता है, लेकिन कैसे? क्या हमारे कुछ exchange programs ऐसे हैं जिनकी वजह से हमारे local schools जो हैं वो benefit ले सकें या नहीं? How is the education system protected from global development threats? कुछ डेवलपमेंट के थ्रेट्स भी हैं उसमें. आपकी मार्केट डेवलपमेंट है, कुछ जो आपकी हम कहें इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कुछ थ्रेट्स भी हैं, तो क्या हमारी एजुकेशन जो है वो इन थ्रेट्स को एड्रेस कर रही है या उनसे महफूज है या नहीं? कुछ लोगों के ख्याल में कंज्यूमरिज्म इज द बिगेस्ट थ्रेट इन टूडेज वर्ल्ड. सो आर आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स
addressing this threat, or are they preventing themselves from this threat, or there is no prevention mechanism. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें ये देखनी है कि क्या हमारा गवर्निंग स्ट्रक्चर इज़ इट रिस्पॉन्सिव टू लेबर मार्केट एंड ग्लोबल डेवलपमेंट ट्रेंड्स और नॉट. सो रिस्पॉन्सिवनेस इज़ अ की एलिमेंट ऑफ क्वालिटी फ्रेमवर्क एंड एजुकेशनल गवर्नर्स नीड टू टेक दिस इनटू अकाउंट.